Hey guys, good morning, Zamchetu. This is me, MJ Ashish. और इस वक्त मैं पडंदा वाले रोड पे हूँ। आज कहाँ कहाँ का प्लान है, कहाँ कहाँ जाना है? ये मिशन 30 मिलियंस है हमारा रॉबिनहुड आर्मी के लिए, पूरा ऑल ओवर इंडिया के मिले हैं। बिकॉज ऑफ कोविड-19 वी हैव एक्सटेंडेड दिस वन, ऑलरेडी वी हैव डूइंग सो लास्ट 90 डेज। तो अभी क्या है ना, 1 जुलाई से 15 अगस्त तक वी हैव एक्सटेंडेड दिस कोविड-19 टू मिशन 30 मिलियंस। मैं संगीता सामद हूँ और मैं रॉबिनहुड आर्मी से हूँ, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब मुझे यहाँ काम करते हुए 1.5 साल हो गया है, एंड आई फील रियली प्राउड कि हम ऐसा कुछ बड़ी चीज़ का एक हिस्सा हैं। 80,000 फैमिली को इन्होंने राशन प्रोवाइड कर दिया है, थैंक यू सो मच सर। ये पूरे राशन हैं ये जो जा रहे हैं गाँव के लिए? एक्चुअली हम लोग का आज मेगा ड्राइव प्लान किए थे, तो किक ऑफ हम लोग 1 जुलाई को किए थे, उसमें से जमशेदपुर जो है हम लोग लीड कर रहे हैं 1 जुलाई से। तो हमारा 1st ड्राइव हो चुका है, दिस इज द 2nd ड्राइव। आज के दिन पे हमारे मेंबर्स को प्लान करके हम लोग दो ड्राइव हम लोग प्लान किए हैं, एक जादूगोड़ा के लिए और एक बोडाम एंड पटमदा साइड। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं पडमदा के खड़ियाडी गांव में रॉबिनहुड आर्मी के साथ, और जैसा कि मैं बताया कि हम लोग आज यहां पे आए हैं राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इतना लोगों को जैसे आप भी जुड़ सकते हैं हमारे में, ओके क्या है? जो नंबर ऑफ जो जमशेदपुर में जितने मेंबर्स हैं ना, जुड़ते रहेंगे ना, तो हमको अगर 5 लोग जानते हैं ना, तो आपको भी 5 लोगों का चेन बनते रहेगा। तो अगर 2-2 kg भी अगर चावल देंगे, आटा देंगे ना, तो वो जुड़ कर करके एक बैग बना सकते हैं, हैप्पी बैग वी कॉल्ड। वो राशन हम दे सकते हैं एक फैमिली को। ये राशन बोले तो अमीरों लोग से मांगते हैं, गरीब में बांटते हैं, लाते हैं डोनेशंस, राशन डोनेशंस मिलता है हमें जितने भी है, नरवेरा ट्रस्ट है, एक्सएलआई ग्रुप है। तो अभी क्या क्या परेशानी आप लोगों को गांव में मिलता है देखने को? अभी परेशानी पानी कम है, इसीलिए खेती बाड़ी में काम कम चल रहे हैं। इसके बाद ये जो अभी बीमारी का सीजन है, इसी का सुविधा कम है डॉक्टर का। चलिए, थैंक यू सो मच दादा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। गाइस, मैं तेजस हूँ रॉबिनहुड आर्मी से। अभी हम लोग ढोलकोचा में हैं, जहाँ पर हम लोग लोगों को अभी अनाज बांटने आए हुए हैं। इसके बाद हमारा और 2 गांव हैं जहाँ पर हम जाएंगे, ये हमारा 2रा गांव है, और यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी लिस्टेड किया हुआ है लोगों का नाम, उनके नाम के अनुसार यहाँ पर अनाज बांटा जा रहा है। इस वक्त हम लोग 3रे गाँव में हैं, इसके बाद और 1 गाँव जाएंगे हम लोग, ये 3रा गाँव है। तो गाइस, ये हमारा 4th गांव है। हमारे साथ आज इस गांव के भैया जुड़े हुए हैं। भैया, आपका क्या नाम हुआ? बैद्यनाथ हंसदा। ये गांव का नाम क्या है? ये गांव का नाम तो ऐसे तो हम जानते हैं कसीडी। लोगों को ही कहना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन में अभी काम हम तो नहीं, हाँ तो अभी क्या कर सकते हैं बोलो। ओके सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे, ये सारी महिलाएं अपने घर लेके जा रही हैं राशन। सो गाइस, आज के ड्राइव में हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना रॉबिनहुड आर्मी से। हर एक विलेज पे जाके अपना 100% दे रही है, और इसको लेकर मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आज आपने हमें इनवाइट किया और आज हम गए आपके साथ ड्राइव में। 4 विलेज गए हम लोग और बहुत बहुत अच्छा लगा। लोगों को मैसेज क्या देंगे? आज का जो हम लोग का ड्राइव था, ये मिशन 30M का एक पार्ट था, आज 2nd ड्राइव था हम लोगों का, और आज की हमारे ड्राइव में ये सोशल संवाद की टीम हमारे साथ थी, और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारे पूरे ड्राइव को कवर किया। फिर से एक बार थैंकफुल हूँ सोशल संवाद की टीम के लिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे और आगे के ड्राइव में भी आप हमारे साथ रहें और हम लोगों का इसी तरह से कवरेज करें और लोगों तक पहुँचाएँ इस ड्राइव को, और लोग अवेयर हों कि जो सक्षम लोग हैं वो कुछ डोनेट करें, जिसको हम नीडी लोगों तक पहुँचाएँ। और ये हम लोग का बहुत बड़ा भाग्य है कि सोशल संवाद की टीम पूरे कवरेज में हमारे साथ थी। सोशल संवाद को फेसबुक पर जाके लाइक कर दीजिएगा, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।